हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में ना हम बनाएंगे बाजार जैसी सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली। और बहुत कम सामान में ही ये घर पर आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और एकदम परफेक्ट इडली बनकर तैयार होती है। तो चलिए चलकर बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक कटोरी उड़द की दाल का इस्तेमाल करा है और इसे रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ हमने ले लिए हैं 4 कटोरी चावल। इन्हें भी रात भर पानी में भिगो कर रखना है जिससे अच्छे से फूल जाएंगे। फिर इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। आपको पीसते वक्त ध्यान देना है कि आप इसे थोड़ा सा बीच में मठा डालकर पीसें जिससे अच्छे से फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। एकदम स्मूथ सा टेक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है, एकदम मीडियम हमें रखना है। इसको थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही चलाते रहें जिससे ये आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और अच्छे से बैटर बनके रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा इडली का बैटर बनके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पर हमने इडली के सांचे में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें 1/2 चम्मच नींबू भी आप ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम यहाँ इडली के बैटर को पूरे सांचों में फिल कर लेंगे। आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे का सांचा होता है आपको उसमें ज़्यादा बैटर फिल नहीं करना है, वरना आपका बैटर फैल जाएगा और इडली अच्छे से नहीं बनेगी। इसी तरह हम सारे सांचों में इडली के बैटर को फिल कर लेंगे। अब हम ढक्कन से ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमारी इडली बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इन्हें नाइफ की हेल्प से निकाल लेंगे एकदम आराम से। आपको भी इसी तरह नाइफ को गोल घुमाते हुए इडली को निकाल लेना है, इससे इडली बहुत आसानी से निकल जाती है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी इडली बनकर रेडी हुई है, एकदम जालीदार। इसे आप सांभर के साथ खा सकते हैं और दाल के साथ भी। मेरे घर तो सांभर बनाया था मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।